कांग्रेस पार्टी के पंजाब प्रधान सुनील जाखड़ इस वेले पूरे हमलावर रुख के दिखाई दे रहे हैं। सुखबीर सिंह बादल और डेरा सिरसा मुखी के नाल गंढ धुप के बारे पिछले दिन भी सुनील जाखड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वड्डे इल्जाम सुखबीर सिंह बादल उत्ते लगा दिते सन। एक बार फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे दोष सुखबीर सिंह बादल ते ही लगा दिते ने। जाखड़ का कहना है कि सुखबीर सिंह बादल ने डेरा सिरसा मुखी अगे अपने गोडे पूरी तरह टेक दिते सन, इसलिए उन्होंने डेरा सिरसा मुखी नूं बचाउण दे लई उन्होंने खिलाफ़ जो केस चल रहे सन वह भी ठप्प करवा दिते सन। सुनील जाखड़ का कहना है कि डेरा सिरसा तो वोटा लैण दे लई अकाली दल सौदा दल बन गया। जाखड़ के मुताबिक यही राजनीति सुखबीर सिंह बादल ते श्रोमणी अकाली दल दीआं जड़ां दे विच बैठ गई। की कुछ आख्या सुनील जाखड़ ने डेरा सिरसा मुखी और सुखबीर सिंह बादल दे बारे तुसीं खुद ही देख लाओ। 2015 दे विच गुरु ग्रंथ साहब की जो बेअदबी हुई, अंग पाड़े गए, चोरी होए, उन्हों लैके बाद चे जनरल डायर दे तर्ज दे उते सिंह शहीद होए एक पंथिक सरकार दे हुक्मां दे नाल, उहदे बाद सवाल पैदा होंदा है नौबत क्यों आई, क्यों गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी करन दे हालात पंजाब दे अंदर बने जदों एक पंथिक सरकार पंजाब दे अंदर 10 साल जी ने राज कीता। इस सारे मसले की जदों घोखिया जांदा है पंजाब दे जिहड़े सिख इंटलैक्चुअल्स है, सिख जिहड़े विचारक है, जिहड़े सारी इस सिखिज़म दे जिन्हां ने स्टडी कीती है ते सच्चे सिख है, उन्हां नाल जदों विचार वटांदरा कीता गया वह सारे एक गल ते सहमत है भी इस सारे मसले की जड़ जिहड़ा 2015 च गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई उस मसले की नींव जिहड़ी है वह नींव रखी गई सीगी 2007 दे अंदर जदों डेरा मुखी ने गुरु साहब का सवांग रचिया सलाबतपुरे दे अंदर, क्योंकि उत्थे 2007 तो पहला तो ही जिहड़े डेरे ते डेरे दे अनुयाई सीगे जिन्हां नूं प्रेमी कहिंदे आ वह सब जाके नाम चर्चा च हिस्से लैण कोई जांदा सीगा, कोई गुरु नूं पालन जांदा सीगा, कोई रब दी वास्ते जांदा सीगा, ते बहुत सारे साथी इहो जिहे वी सीगे जिहड़े उत्थे इस करके भी जांदे सीगे वी उत्थे कहिंदे समान सस्ता मिलदा, सब्जियां सस्ती मिलदियां, बिस्कुट सस्ते मिलदे आ, उह उहनां दा अपना सोच सी, अपना मनना सीगा उत्थे जांदे सीगे, ते जिहड़ा डेरा मुखी सीगा वह अपने गुफा के अंदर जो कुछ करदा सी उहदा काम सीगा, कोई आपस च किसी टकराव का किते कोई मौका या किसी किस्म के कोई हालात नहीं सीगे, वह अपना नाम चर्चा करी जांदे सीगे। 2007 दे अंदर एक खुराफाती सोच के तहत ताकत जिन्हों कहते हैं जोर अजमाइश वास्ते डेरे मुखी ने एक प्रोग्राम उलीकिया जिहदे विच 11 मई तो लैके 13 मई दे ताईं 3 दिन जिहड़ा सीगा सलाबतपुरे दे अंदर एक प्रोग्राम चलिया जिहदे विच उन्होंने जाके डेरे मुखी ने गुरु साहब का सवांग रचिया, उन्हां दी पोशाक पाई ते उत्थे अमृत छकाण की तर्ज के उत्ते जिहनूं कहिंदे जामे इंसां पिआया गया। उहदे बाद उन्होंने उस गल दे इश्तिहार लाए भी असी इस तरह साडे डेरे मुखी ने आ पोशाक पाई है, आ असी जामे इंसां पाया है, ते उन्होंने उहदे नाल कई अपने प्रेमियों नूं हिदायतां भी दित्तियां भी इन्हां हिदायतां दे मुताबक तुसीं अज तो तुसीं सारे इंसां वजोंगे, तुहाडे नाम दे मगर इंसां लगूगा, ते तुहानूं इन्हां हिदायतां दे उत्ते काम करना, कोई 43 दे करीब हिदायतां जिहड़ियां उन्हां नूं दित्तियां गईआं उह उन्हां ने दित्तियां। उहदे बाद पंजाब दे अंदर दंगे भड़कने चालू हो गए, इस गल का सिख धर्म के अनुयाइयों ने बड़ा भारी विरोध किया गुरु साहब की जिस तरह मर्यादा तो उन्होंने जोड़ा सवांग रचिया उन्होंने लैके पूरे पंजाब के अंदर BSF की कंपनीज लाई गई ताकि अमन शांति बनाया रखा जा सके। बठिंडे के रजेंद्र सिंह ने जो कि एक अकाली दल के वर्कर से MCV से उन्होंने एक दरखास्त पाई भी इस तरह करके साड़ी धार्मिक भावनावां ठेस पहुँचाई गई है। उन्हां सारे फैक्ट्स के उत्ते मैं बाद च आऊंगा, पर मैं जिहड़ी गल कहना चाहना जदों आ सवांग रच के डेरे मुखी ने आ टेस्ट करके देखिया भी वह किन्ना क जोर अजमाइश असीं कर सकदे आ, तो उहदे विच 2012 का जदों इलैक्शन आन लग्या तो उस टाइम सरकार ने इलैक्शन तो 3 दिन पहले वह जो परचे दर्ज होए सीगे डेरे मुखी के उत्ते धार्मिक भावनावां नूं
आहत पहुंचाने वास्ते आपस से दो समुदायों के अंदर जहर फैलाने वास्ते वो जो मुकदमा से उन्होंने विड्रॉ कर लिया। ये डेरे मुखी नू अपनी ताकत का जिते एहसास होया भी मेरी तो ताकत ही बहुत है, उत्थे अकाली दल ते अकाली दल की लीडरशिप की कमजोरिया का भी एहसास हो गया, क्योंकि सुखबीर बादल उस समय अकाली दल के प्रधान भी सीगे, पंजाब के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी सीगे, होम मिनिस्टर भी सीगे। जदों डेरे मुखी नू लग्या भी इन्होंने गोडे टेकते मेरे सामने ते जिहड़ा केस विड्रॉ कर लिया, उन्हों अपनी ताकत का एहसास होया, अकाली लीडरशिप की कमजोरी का पता लग्या। इसे तर्ज के उत्ते जदों 2015 च डेरे मुखी ने अपनी फिल्म बनाई MSG उन्हों रिलीज़ कराने वास्ते सारे पंजाब से जिस तरह का माहौल वो खिलाफ़ बनया सीगा ते सरकार ने भी इस किस्म के आदेश दिए सी भी फिल्म इतने लागू ना की जाए, क्योंकि उदों तक डेरे के उत्ते अकाल तख्त साहब का जिहड़ा शेके आया उन्होंने हुक्मनामा से लागू सीगा, उन्हें उही हथियार उही हथकंडे डेरे मुखी ने फिर अपनाए गोडे लवाने वास्ते, क्योंकि कमजोरी उन्हें फड़ ली सी सुखबीर सिंह बादल दी भी वोटा वास्ते इन्हां तों कुछ ही करा लो। इस करके वह जिहड़े है गुरु साहब की चोरियां हुई, गुरु साहब के अंग पाड़े गए, तो जिहड़ा लोगों नूं शक सीगा ते जिहड़ा कि डेरा मुखी समझ चुकिया सीगा, उसे तरह ही अकाली दल के प्रधान ते पंजाब के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ते होम मिनिस्टर साहब ने गोडे टेकते, क्योंकि उदों मसला सिर्फ कल्ले वोटां दा ही नहीं, उदों नाल नोटां भी दा सीगा, क्योंकि फिल्म दे विच बहुत वड्डी कमाई डेरे नूं हुई तो उहदे विच जिन्हां दी साठ गांठ उह सारी सामने आई। इस करके मेरा मानना है भी यह सारा जो अकांड होया पंजाब दे अंदर जिस तरह सिख कौम दियां पंथ दियां भावनां नूं ठेस पहुंची है, उहदे विच नींव जिहड़ी है वह 2007 के अंदर रखी गई सी, ते अज बड़े दुख की गल है भी डेरे दे डेरा सच्चाई बोल रहा भी असीं अकालिया नूं वोटां पाईआं, ते अकाली दल जिहड़ा है अज डेरे का वकील बन के उन्हां दी पैरवाई कर रहा है। उन्होंने एक दिन भी नहीं किया डेरे वाले ने भी असीं सलाबतपुरे के अंदर जामे इंसान नहीं पाया। अज अकाली दल के लोग अकाली दल के लीडर आ कह रहे हैं भी वह तो उत्थे है ही नहीं सी, अज उन्हां दी पुलिस ने जदों FIR विड्रॉ करने वास्ते दरखास्तां पाई है उदों उन्होंने कहा भी इहदे विच डेरा मुखी तो सलाबतपुरे गया ही नहीं सी, इस करके सारा जिहड़ा जो कुछ भी केस बने आ गलत बने। केस की सच्चाई मैं थोड़ा दसना चाहना, जो 2007 के अंदर आ दूजा पोर्शन है इस कॉन्फ्रेंस का, पहली गल आ क्यों होया ते दूजा की होया आ मैं थोड़ा दसना चाहना भी की होया। 2007 के अंदर 11 तारीख मई के अंदर उत्थे सलाबतपुरे के अंदर जामे इंसान जो पाया गया, उसके बाद 3 दिन उत्थे आ प्रोग्राम चलिया 11, 12, 13 उहदी जदों रिपोर्ट लिखाई गई थाने के अंदर धार्मिक भावना भावनावां नूं आहत पहुँचाने वास्ते उन्हां नूं चोट पहुँचाने वास्ते उहदे उत्ते परचा फौरी तौर पर परचा दर्ज नहीं होया, परचे वास्ते उहदी इन्वेस्टिगेशन IG पटियाला नूं दित्ती गई, क्योंकि 295 ए जिहड़ी धारा जिहदे तहत आ दो धार्मिक भावनावां नूं चोट पहुँचाने वाली धारा है उहदे वास्ते IG ने रिपोर्ट दित्ती। IG ने कहा भी इहदे विच IG पटियाला ने रिपोर्ट दित्ती इहदे विच बनदी कार्रवाई की जाए ते इहदे उत्ते FIR रजिस्टर की जाए। 20 तरीक मई नूं इहनां दे उत्ते डेरे मुखी दे उत्ते 195 दी जिहड़ी है FIR दर्ज होंदी है जिहदे तहत धार्मिक भावनाओं नूं लै के आहत पहुँचाने की गल हुई। सरकार डेरे ने उन्हें रोकण वास्ते भी FIR क्वाश की जाए FIR रद्द की जाए तो मेरे उत्ते बिना सोच समझ के आ सारा राजनीतिक रंजिश दे करके मेरे उत्ते जिहड़ा केस बनाया जा रहा उहदे विच आ पंजाब पुलिस दे जिहड़ी एफीडेविट उन्होंने कोर्ट च सबमिट किया है उस च मैं तुहानू पढ़ना चाहना जिहड़ी आ कोई सुनील जाखड़ नहीं कह रहा आ पंजाब सरकार जिहड़े होम मिनिस्टर सरदार सुखबीर सिंह बादल सीगे पंथक सरकार सीगी ते आ कहिंदे एज पर द एविडेंस अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड द पटिशनर एट द टाइम ऑफ बैप्टिज्म सेरेमनी नेम्ड एज जामे इंसान गुरु का हेल्ड एट सलाबतपुरा इमिटेटेड श्री गुरु गोबिंद सिंह जी नॉट ओनली इन द मैनर ऑफ ड्रेसिंग हिमसेल्फ अप
but also in the manner of organizing the said baptism ceremony as per the evidence collected. IG di report de utte based jehda FIR darj hai oh nu leke affidavit court ch dende hai as per the evidence collected from the eyewitnesses and the expert Sikh intellectuals. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਨਾ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਲ ਦੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਪਾਇਆ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਮ ਇਨਸਾਂ ਪਿਆਇਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੋਖ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।